स्टैलर न्यूज़ वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जिमें कि असी सारे जानते हाँ सारे देश में बड़े धूमधाम गणेश चतुर्थी का जोड़ा त्यौहार आ उत्सव आ जोड़ा मनाया जा रहा, तो हुशियारपुर भी ये जोड़ा आ काफ़ी उत्साह मनाया जाता हर साल। असी इस टाइम पहुँचे हुए हैं जलंधर रोड नियर ITI जिथे मूर्तिकार ने गणेश जी की प्रतिमा जी तैयार करते हैं, होर भी काफ़ी जड़िया चीज़ा तैयार करते हैं, मूर्तियां तैयार करते हैं। तो इन इस बार जी देखने एक मजूसी जी मिल रही आ, क्योंकि हूँ तक जोड़ा त्यौहार है जो उत्सव आ जो गणेश चतुर्थी का जो शुरू हो चुका आ, पर इन दिया मूर्तियां है ये इस बार जड़िया ज़्यादा सेल नहीं हुई, तो इन मायूसी देखने मिल रही है। इन गलबात करते हैं अभी की कारण यदा लगता जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम रमेश कुमार। कब से ये काम कर रहे हो आप? ये तो हो गया हमको 30-35 साल हो गए, मेरे डैडी काम करते थे पहले। आपने बोला 30-35 साल हो चुके हैं आपको ये काम करते हुए, तो ये गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार होता है उत्सव होता है उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है, तो कब से ये तैयारी आप कर रहे थे ये तैयार करने के लिए? ये 6 महीने हो गए घटो घट, जब से बना रहे हैं, फिर माल लाना पड़ा, कोई थोड़ा बहुत करता रहते हैं। 6 महीने से आपने जो तैयारी की है, हम देख रहे हैं काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां गणेश जी की हैं, तो क्या लग रहा है इस बार सेल कम है? आपकी बार बहुत घट है। क्या है इसका कारण, क्या लगता है आपको? देखो अभी गाग आया नहीं, गाग के ऊपर है जो भी, हमने तो बना के रखा है, फिर आपकी बार घाटा ही लगा। और सरकार इस काम के लिए आपकी कोई हेल्प करती है? नहीं सरकार कोई नहीं करती है। तुसी देख रहे हो वीडियो राही पे कारीगर किन्नी मेहनत नाल जिहड़े मूर्ति तैयार करते हैं, तो इन्हां नाल भी असीं गलबात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा शांता। ये कब से ये काम आप कर रहे हो? 6 महीना हो गया लगे हुए। नहीं, 6 महीना तो ये तैयार करने के लिए हो गया, तो उससे पहले कब से कर रहे हो? कितना की हो तो 35 साल हो गए। तो इस बार देख रहे हैं हम गणेश चतुर्थी का जो उत्सव है वो शुरू हो चुका है, तो काफ़ी आपका भी ये मूर्तियां काफ़ी यहाँ पड़ी हुई हैं। क्या ना इतना नहीं गागी नहीं हुई, अब की मूर्तियां भी बहुत बस गई। तो क्या शहर वासियों को क्या कहना चाहोगे? कि भाई हमारी मूर्तियां ले जाओ तो हमारे थोड़ा बहुत गुजारा चल जाएगा, जितना पैसे लगे हुए या मटेरियल वो मिल जाए वो बहुत है। असं सारे जानते हैं भाई अपने अपने धर्म के अनुसार आस्था के अनुसार ये जो त्यौहार मनाए जाते हैं, तो जो गणेश चतुर्थी का त्यौहार ये भी बहुत धूमधाम सारे देश में मनाया जाता। गणेश जी की मूर्ति जी घर विराजमान की जाती है, तो उस तो बाद जी पानी के विसर्जन कर दी जाती है। तो इस बार जोड़े आ कारीगर हुशियारपुर के जलंधर रोड नियर ITI आ, मैं जिमें कि पहला दस चुका भी काफ़ी मायूस लगते क्योंकि इन दूर्तियां इस बार ज़्यादा नहीं बिकिया, क्योंकि हर जो भी कोई काम करता आ वो अपने रोटी पानी लिए करता, तो जदों उन्होंने लागत भी जी वापस नहीं मुड़ती तो उन्होंने मायूसी तो थोड़ी होंगी आ। क्या कहना चाहोगे शहर वासियों को? शहर वासियों को ये बोलता हूँ कि अभी मूर्तियाँ बनाई है, जो भी बंदे को जिसको चाहिए वो ले जा सकते हैं, अभी मूर्तियाँ काफ़ी बना के रखी हुई है। गणेश चतुर्थी पर तो ये लगती हैं, जैसे विराजमान करते हैं गणेश जी को, उसके बाद विसर्जन करते हैं, तो और घर में रखने के लिए ऑफिस में रखने के लिए भी? हाँ, ऑफिस में रखने वाले गमले गुमले सारे कुछ मतलब बनाते हैं, जैसे गोलक हो गया, जैसे गल्ले हो गया, सब मतलब अलग अलग डिजाइन मतलब बनाते रहते हैं। जिमें कि तुसी वीडियो देखी आ किन्नी मेहनत नाल कारीगर ने जिहड़ियां मूर्तियां तैयार कीतियां आ, पर इस बार जिहड़े आ गाहक बहुत घट आए आ, उन्हां दा ये कहना आ ते काफ़ी मायूस लग रहे आ। तो मैं अपनी द स्टैलर न्यूज़ की टीम वालों ये सारे शहर वासियों नूं अपील करदा, जां जो जो भी ये वीडियो देख रहे आ उन्हां नूं ये चाहीदा कि जिन्हां ने तां गणेश चतुर्थी लई गणेश जी खरीदने आ वह भी इत्थे आ सकदा, ते जां ऑफिस विच रखण लई जां घर विच रखण लई होर भी जिहड़ा भी इत्थों इन्हां तों समान मिलदा उन्हां नूं ये चाहीदा कि असीं इन्हां तों आ के वह खरीदीए, ता कि जिहड़ा इन्हां दा भी रोटी पानी है जिहड़ा चलदा रहे, ते ये भी एक किस्म की हैल्प ही है, इन्हां दी एक पुन ही होएगा। तो सरकार अगे भी मैं अपील करांगा कि जिहड़े इदां दे कारीगर ने इन्हां लई भी कुछ ना कुछ सरकार जिहड़ा जरूर सोचे। द स्टैलर न्यूज़ के लिए हरपाल लाडा के नाल कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस की रिपोर्ट। We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.